दुकानदार को अपराधियों ने सड़क किनारे चाकू मारकर कर दी हत्या, अपराधी हुए फरार। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी जांच में जुटी। धनबाद जिले के पुटकी थाना क्षेत्र के पुटकी चौक के समीप रहने वाले जूता दुकानदार संतोष शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव घर से कुछ दूरी पर स्थित उमेश चाय दुकान के पास सड़क किनारे पड़ा हुआ सुबह देखा गया। पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी जांच में जुट गई है। हालांकि दुकानदार को चाकू मारकर क्यों हत्या किया गया, कौन अपराधी है, इसका कोई सुराग अब तक पुलिस को हाथ नहीं लग पाई है। वहीं परिजन भी किसी से कोई दुश्मनी होने की बात नहीं बता पा रहे हैं। मृतक के भाई व पुटकी चैंबर के अध्यक्ष हीरालाल शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में चल रहे अवैध तरीके से शराब की दुकान के कारण अपराध हो रहे हैं। कई बार पुलिस को कहा गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। देर रात तक शराब दुकान में शराब परोसी जाती है जिसके कारण अपराधियों का रात भर जमावड़ा लगा रहता है। अपराधी रात में घटना को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि उसके भाई संतोष शर्मा की किसी से दुश्मनी नहीं थी। महुदा थाना क्षेत्र के लाल बंगला में संतोष शर्मा की जूते की दुकान है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं पुटकी पुलिस ने कहा कि दुकानदार की हत्या क्यों, कौन लोगों ने की, इसकी कोई जानकारी नहीं हो पाई है। मामले की जांच पड़ताल जारी है। छोटा भाई मेरा है, मतलब कि रात में डेली आता था 11:30 बजे रात में घर बाजार से। कल मतलब कि हम लोग खाना ना खा सो गए थे। उसके बाद जो है मतलब कि उसका सुबह जो है पुटकी थाना वाला पेट्रोलिंग में ला करके हम लोग को उठाए, बोले देखिए आपके साथ छोटा भाई एक तो है रोड पर गिरा हुआ है। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखे छोटा भाई था, तो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में वहाँ मतलब खुला नहीं था पुटकी हॉस्पिटल में, तो डायरेक्ट यहाँ PMCS लेकर आए। यहाँ लेते साथ यहाँ मतलब कि मालूम हुआ, डॉक्टर लोग बोला कि ये तो एक्सपायर करके चले। वो क्या हुआ नहीं हुआ तो हमको भी सब क्लियर नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ आने के बाद देखते हैं उसको सीना पर पूरा चाकू मारा हुआ, चाकू घोप के मारा गया उसको। किसी पर शक है क्या? ये सर हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते सर, हम लोग औसत को संदेह नहीं अभी तक है। पुराना कोई विवाद हुआ? औसत नहीं, अभी हम लोग सामने औसत को हुआ पुराना विवाद में अचानक से ऐसे। ओके, अभी वो तो भाई ही जानेगा या हम कैसे बोल सकते हैं उसके प्रति में। क्या नाम है? संतोष कुमार शर्मा। उसका हम अपना भाई हुए, बड़ा भाई। शादीशुदा है? कितना उम्र होगा? उम्र रखिए आप 30-32 साल। क्या काम करते थे? जूता दुकान था लाल बंगला में। घर कहाँ? घर पुटकी बाजार। रात में मेरे भाई का कत्ल हुआ, उसको मार के फेंक दिया गया कानू चाय दुकान के बगल में, उमेश साहब के दुकान के पास। और सबसे बड़ा बात है, हम लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं यहाँ पर जो दारू दुकान जो चल रही है बाजार में, जैसे क्षेत्र में भी जो आसपास के क्षेत्रों में दारू चल रहा है, उसके चलते क्राइम यहाँ बढ़ रहा है। बड़ा बाबू को भी हमने कई बार बोला कि सर यहाँ पर दारू दुकान बंद कराइए बाजार में खास करके, पर अभी तक किसी प्रकार का कोई अथी नहीं किया। दो दिन वो बंद करता है, फिर तीसरा दिन बड़ा बाबू को भी चकमा दे के खोल देता है। संतोष कुमार शर्मा क्या, क्या करते थे? उनका एक जूता दुकान था लाल बंगला में, वो वहीं पर अपना जूता दुकान चलाते थे। और आए दिन जो क्राइम बढ़ रहा है, इसे तो हम यही मांग करेंगे वरीय पदाधिकारी से कि इस क्राइम को जल्द से जल्द रोका जाए। यहाँ पर जो अनलीगल काम हो रहा है, अनलीगल काम को बंद कराया जाए जिससे क्राइम को बढ़ावा ना मिले। इनका पुराना किसी से भी इस तरह की? नहीं नहीं, किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं था किसी से। नहीं, नहीं। क्या नाम होंगे? हीरालाल शर्मा, अध्यक्ष पुटकी बाजार चंद्रपुर। ओ चाकूबाजी करीबन भोर में 3 बजे हुआ इस घटना, और पता नहीं है कि किसने मारा है। और ये रहने वाले हैं पुटकी बाजार के 3 नंबर गेट के पास ये घटना हुई है। क्या नाम है? इनका नाम संतोष कुमार शर्मा है। उम्र करीबन 32 साल की। स्थिति तो अब मतलब लाते लाते ही उसको का वहीं पे डेड हो गई थी। और अभी उनके परिजन आए हुए हैं और उनके भाई आए हुए हैं, और अभी पोस्टमार्टम के लिए उनको लिया जाएगा। चाकू क्यों मारा गया?
नहीं अभी तो कोई अभी जानकारी नहीं हुई, खुलासा भी नहीं हुई अभी तक, किसी के द्वारा मारा नहीं हुई, क्योंकि इनका शायद दुकान भी है, दुकान दुकानदार है, दुकान है, और करीबन कल शायद इसकी दुकान खुली नहीं थी और दिन भर गायब थे, और पता चला सुबह में भोर में कि चक्कूबाजी वाली घटना हुई है। नहीं विवाद का भी तो कोई पता नहीं है क्या है,